नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी मौसम जानकारी न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबर आपके एकदम काम की है। और हाँ, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही आप अपने जिले और गांव का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके जिले और गांव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको लाकर देते रहें। तो चलिए इसी के साथ फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचे नीतीश की बात, अखिलेश यादव बोले जाति जनगणना कराए योगी सरकार। जी हां, बताने की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार को अपनी बड़ी उपलब्धि बतानी है तो उसे जातीय जनगणना करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को कोई पर्दे के पीछे से चला रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, लखनऊ में काली फिल्म के निर्माता निर्देशक पर मुकदमा, धार्मिक भावना आहत करने का। जी हां, बता दें कि काली फिल्म का पोस्टर जारी होने के बाद से विवाद थम नहीं रहा है। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अधिवक्ता की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि जिसकी जांच पुलिस कर रही है, आरोप फिल्म के निर्माता और निर्देशक पर है। अगली बड़ी खबर, एंकर रोहित रंजन पर भिड़ी यूपी और छत्तीसगढ़ की पुलिस, नोएडा में हिरासत में ले लिया गया। जी हां, बता दें कि राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में पत्रकार रोहित रंजन के घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस आज पहुंच गई। इसके बाद गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और दो राज्यों की पुलिस से भिड़ती दिखी। बताने की अंत में नोएडा की पुलिस ने रोहित रंजन को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सुबह पत्रकार ने खुद ही ट्वीट कर घर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने की जानकारी दी और उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को टैग कर पूछा कि क्या यह नियमानुसार सही है। आपको बताने कि इस पर यूपी पुलिस की ओर से जवाब दिया गया कि गाजियाबाद के इंदिरापुर थाने की पुलिस मौके पर है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सीमांचल में ड्रग्स का धंधा, किशनगंज में लाखों की स्मैक के साथ दो महिला गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि बिहार के सीमांचल में ड्रग्स के धंधे के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में किशनगंज पुलिस ने वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड के पास कई झुग्गी झोपड़ियों में छापा मारकर भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बताने की यह कार्यवाही किशनगंज की टाउन थाना पुलिस ने की है। आपको बताने की स्मैक को पुड़िया में छिपाकर धंधेबाजों में जहां तहां दबा रखा था। छापेमारी दौरान पुलिस के हाथ कई पुड़िया लगी। बरामद स्मैक की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इस बारे में टाउन थाना अध्यक्ष ने बताया है कि मुखबिर के जरिए गोपनीय सूचना के आधार पर छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक इसमें कारोबारी बड़ी संख्या में युवाओं को बरगला कर इसमें की सप्लाई किया करते थे। अगली बेहद बड़ी खबर, कानपुर हिंसा में क्राउड फंडिंग करने वाला बिल्डर मोहम्मद बशी लखनऊ से गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि कानपुर में नई सड़क हिंसा में क्राउड फंडिंग करने के आरोपी बिल्डर मोहम्मद बशी को क्राइम ब्रांच और SIT की टीम ने देर रात लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बशी को कानपुर लाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर, थल सेना में अग्निवीर के लिए आज से होगा रजिस्ट्रेशन, लखनऊ में 30 नवंबर से होगी भर्ती रैली। जी हां, बता दें कि लखनऊ और एक दर्जन से अधिक अन्य जिलों में सेना अग्निवीर भर्ती शुरू होने जा रही है। साथ ही सूर्य कमांड की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। सितंबर में रैलियों के लिए पंजीकरण 5 जुलाई यानी मंगलवार से शुरू होगा। वहीं लखनऊ में 30 नवंबर से भर्ती रैली होगी। साथ ही कानपुर में 20 अक्टूबर से होगी। और आपको बता दें कि सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से संभावित कैलेंडर वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, हाईटेक होते यूपी के मदरसे, अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई करेंगे छात्र छात्राएं। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र छात्र अब मोबाइल ऐप से भी पढ़ाई कर सकेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसा ई लर्निंग ऐप का लोकार्पण किया है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अब हुजूर के बेटे ही हुजूर नहीं बनेंगे, बल्कि मजदूर के बेटे भी हुजूर बनेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब नवाब नहीं काकोरी ब्रांड से विदेश में होगी लखनवी आम की पहचान, आम महोत्सव पर CM योगी का ऐलान। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर बनेगा। यह परियोजना अगले 5 वर्षों में पूरी होगी। साथ उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में
माल, मलियाबाद और काकोरी फल पट्टी का आम देश और विदेशी में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रांडिंग होगी। बता दें कि इस परियोजना के लिए केंद्र से 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम की ब्रांडिंग नवाम आम के नाम से की थी। अच्छा, अगली बड़ी खबर, प्रयागराज के संगम क्षेत्र में बमबाजी। बर्थडे पार्टी के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर हुआ हमला, 5 जख्मी, 1 हमलावर गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के पास एक छात्र का जन्मदिन मना रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री निर्भय द्विवेदी पर 8-10 लड़कों ने बम से हमला कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक 8-10 बम फेंके, इससे 2 छात्र और 3 भिखारी जख्मी हुए हैं। सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम की मदद से छानबीन की। बता दें कि निर्भय ने इस मामले में 4 नामजद समेत 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पार कर दी लक्ष्मण रेखा। नूपुर की अर्जी पर SC की टिप्पणी के खिलाफ पूर्व जजों समेत हस्तियों का खुला पत्र। यहाँ बता दें कि नूपुर शर्मा की ओर से दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तीखी टिप्पणियों के खिलाफ 117 लोगों ने खुला पत्र लिखा है। बता दें कि इन लोगों में 15 पूर्व जज, 77 पूर्व नौकरशाह और 25 पूर्व सैन्य अफसर शामिल है। इस पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणियों के जरिए लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है। इसके अलावा पत्र में तत्काल इसमें सुधार के लिए कदम उठाने की भी मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि हम जागरूक नागरिक के तौर पर मानते हैं कि देश का लोकतंत्र तभी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है जब देश के सभी संस्थान संविधान के दायरे में रहकर ही काम करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, SBI ने अपने ग्राहकों को दी ये बड़ी सुविधाएं। छुट्टियों के साथ रविवार और दूसरे शनिवार को भी उठा सकते हैं लाभ। यह बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अब कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नजदीकी शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बैंक फोन पर कई महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। हाल ही में SBI ने 2 नेट टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके उसके ग्राहक अपने फोन पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें, यहां तक कि बैंक की छुट्टियों के साथ साथ दूसरे शनिवार और रविवार को भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सपा ने शुरू किया सदस्यता अभियान। अखिलेश बोले, हम जनता के बीच जाएंगे, गांव तक पहुंचेंगे। जी हां, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय से सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से सहयोग लेंगे और जनता के बीच जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सदस्यता के जरिए हम वर्ग के बीच पहुंचेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए सपा आगे आ रही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम लोगों से सहयोग मांगेंगे, भाजपा से परेशान लोग हमारे साथ हैं, हम शहरों के साथ ही गांव तक पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, अग्निपथ के विरोध में जयंत का तंज। कहा, सरकार मजबूर है या किसी के हाथ में चली गई है। जी हां, बता दें कि लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने कहा है कि आज देश का ज्वलंत मुद्दा अग्निपथ योजना है। कहा कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि यह फैसला किससे पूछ कर लिया गया है, सरकार मजबूर है या किसी के हाथ में चली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को ठगने की योजना है। सरकार 60 लाख नौकरी के खाली पड़े पद भर नहीं पाई है और योजना अग्निपथ ले आई। सरकार इस योजना के माध्यम से किसान व युवा की कमर तोड़ने का काम कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारतीय व्यंजनों को पछाड़ रहे फास्ट फूड। इस जिले में लोग रोज खा रहे 2 लाख प्लेट चाउमीन और 52,600 बर्गर। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में भारतीय व्यंजनों की बिक्री को फास्ट फूड ने पछाड़ दिया है। फास्ट फूड कारोबारियों के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 2.16 लाख प्लेट चाउमीन की बिक्री हो रही है। ऐसे में 52,600 बर्गर और पाव प्रतिदिन खाए जा रहे हैं। बता दें कि IMA के अनुसार हाल के 2 वर्षों में कोलेस्ट्रॉल, शुगर आदि के मरीज तेजी से बढ़े हैं, जिसमें अनियमित दिनचर्या के साथ फास्ट फूड का सेवन बड़ी वजह बनकर उभरा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संभल में धार्मिक भावना आहत करने का मामला। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर पर चिकन बेचने के मामले में एक गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित जिला संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां पर देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में चिकन बेचने का मामला सामने आया है। बताने की इस मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में तालिब हुसैन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि तालिब हुसैन ने पुलिस की टीम पर हमला करने के भी प्रयास किया,
लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। आपको बता दें कि संभल में तालिब हुसैन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस चोट पहुंचाने का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आपको एक बार फिर से बता दें कि वह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर पर चिकन रख कर बेच रहा था। वहीं अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा ताजमहल नहीं बनता तो 40 रुपए में मिलता पेट्रोल। जी हाँ, आपको बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार मोदी नहीं बल्कि मुगल है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह एक जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, भारत के अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल 100 रुपए के पार है, यकीनन इसके लिए पीएम मोदी नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दी और अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। रोज के ऐसे ताजा अपडेट के लिए अगर आप यूपी मौसम जानकारी पर पहली बार आए हैं तो यूपी मौसम जानकारी को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।